क्रियाकलाप दो, क्रियाकलाप एक की ही तरह एक बीकर में गेहूं के आटे का घोल या पसिया ले। अब तीन साफ परख नलियां लेकर उन्हें क, ख और ग नामांकित करें। क परख नली में 8 से 10 बूंदें नींबू के रस की डालें। ख परख नली में कपड़े धोने के सोडे का घोल डालें। चुटकी भर कपड़े धोने का सोडा एक पानी से भरी परख नली में डालकर घोल तैयार करें। ग परख नली में आसुत पानी डालें। प्रत्येक परख नली में आटे के घोल की 20 से 25 बूंदें डालकर फिर तीनों ही परख नलियों में लार मिला दें और लगभग 2 घंटे बाद तीनों परख नलियों में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालकर अपने अवलोकनों को दर्ज करें। क, ख और ग में से किसमें अम्लीय घोल है, किसमें क्षारीय व किसमें उदासीन घोल है? क, ख और ग में से किस परख नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है? ऐसा क्यों हुआ होगा कि समान आटे का घोल लेने पर भी दो परख नली में परीक्षण सफल हुआ और एक में नहीं? ख और ग परख नली में लार में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम का स्टार्च पर प्रभाव हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित माध्यम में सर्वाधिक होती है। इस प्रकार यदि मुंह में गेहूं के दाने चबाएं तो इस एंजाइम के प्रभाव से जटिल पदार्थ स्टार्च अन्य सरल पदार्थों में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज? सन 1822 की बात है। मार्टिन नाम के फौजी को गोली लग गई थी। उसे जख्मी हालात में डॉक्टर बोमन के पास लाया गया। मार्टिन का इलाज शुरू हुआ और करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमन मार्टिन का इलाज करते रहे। इस दौरान डॉक्टर बोमन ने देखा घाव तो ठीक होने लगा पर मार्टिन के पेट में छेद बना रहा। इसमें से पेट में नली डालकर अमाशय का रस बाहर निकाला जा सकता था। अमाशय के रस के प्रभाव का अध्ययन डॉक्टर बोमन लंबे समय तक कई भोज्य पदार्थों पर करते रहे। उन्होंने पाया कि पेट में जितनी जल्दी पाचन की प्रक्रिया होती है उतनी पेट के बाहर नहीं। उनका मानना था कि पाचक रस में भोजन पचाने वाले पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। बोमन के अध्ययन के लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी अनसेल्म पायन ने अंकुरित जौ से अमाइलेज नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया और इसे डायस्टेज नाम दिया। यह एक पाचक एंजाइम है और यह हमारे आहार नाल के साथ साथ अन्य कई जीवाणु, कवक व पौधों में पाया जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हमें स्टार्च में बदलाव नज़र आता है। हमारे अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में भी अमाइलेज स्रावित होता है। अमाइलेज एक नहीं बल्कि कई एंजाइमों का एक समूह है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन हैं। हमारे शरीर की एक कोशिका में ही कई एंजाइम पाए जाते हैं। शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रवित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है और ऐसा कुछ घंटों तक कर सकता है। कोशिका में स्रवित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम आहार नली के बाहर बनते हैं और इसमें पहुंचते हैं।